देश में इन दोनों लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही हैं। इसी कड़ी में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी सीटों पर अब नामांकन का दौर खत्म हो गया है। ऐसे में महाराष्ट्र की नागपुर सीट पर पीएम मोदी के हाईवेमैन और बीजेपी उम्मीदवार नितिन गडकरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी विकास ठाकरे ने भी भारी जनसमर्थन के साथ अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हुए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में अगर नितिन गडकरी की बात की जाए तो उन्होंने लगातार तीसरी बार नागपुर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। नागपुर से नितिन गडकरी जीत की हैट्रिक लगाने के फिराक में हैं। ऐसे में गडकरी ने दावा भी कर दिया है कि वे इस बार 5 लाख से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीतेंगे। जीत के प्रति तो मैं 101% आश्वस्त हूँ, मैं 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतूंगा। फिर से एक बार हमारा ऐसी इच्छा थी कि साहब बिन विरोध चुन के आना चाहिए, लेकिन चुनाव में खड़ा रहने का सबका अधिकार है, लेकिन आएंगे नितिन जी। वहीं दूसरी ओर एमवीए और कांग्रेस के संयुक्त रूप से प्रत्याशी विकास ठाकरे ने भी दावा किया है कि पीएम मोदी ने देश से लोकतंत्र और विपक्ष को समाप्त करने का काम किया है। वहीं इस मौके पर News24 के संवाददाता ने कांग्रेस के उम्मीदवार विकास ठाकरे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये आप भी सुनिए। क्या कहेंगे सर, कद्दावर कद है सामने में, कितनी टफ फाइट लगती है? मुझे लगता है कद्दावर ये मतदाता होता है, कद्दावर कभी भी उम्मीदवार से ज्यादा मतदाता होता है। जब मतदाता सोच लेता है कि मुझे किसे वोट करना है, उसके बाद कद्दावर नेता होता है। अब बारी मतदाता की, ये कद्दावर नेता के लिए मतदाता की बारी है और मतदाता के विचारधारा की बारी है, देश में चल रही हुई राजनीति की बारी है, कैसी राजनीति चल रही है। और ये लोकसभा का चुनाव है, इस लोकसभा के चुनाव में ये दो नीतियों का चुनाव है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और जिस विचारधारा ने पिछले 5 साल में इस देश पे दिखा दिया है कि हमें इस देश में क्या करना है, हमें इस देश में क्या करना है, हमें इस देश में किसको जेल में डालना है, किसकी पार्टी तोड़ना है, कोई महानगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना है और जनता को तकलीफ देना है, इस विचारधारा की लड़ाई है। अभी नामांकन पत्र दाखिल होने के बाद और मुद्दे आएंगे और बातें करेंगे। जी, सहयोगी दलों ने जो है पूरी तरह से आत्मविश्वास दिया है, कस्में तक खाई है, कितना लगता है? 2,16,009 मतों का जो है अंतर रहा है 2019 के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच में, इन वोटों को पाटने के लिए क्या किया जाएगा? मुझे लगता है इन वोटों को पाटने के लिए 13 बार इस शहर की जनता ने कांग्रेस को विधानसभा में भेजा है और इस शहर की जनता खुले आंख से देख रही है कि राज्य में क्या हो रहा है, देश की राजनीति में क्या हो रहा है, स्थानीय स्वराज संस्था में क्या हो रहा है और इस नागपुर शहर की जनता के साथ क्या हो रहा है, ये सब देखा जा रहा है और उसके ऊपर वोट हो रही है। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे इस चुनाव? बड़े मुद्दे अभी नामांकन पत्र भरने के बाद बहुत बड़े मुद्दे संभलेंगे नहीं, उतने बड़े मुद्दे आप आगे आगे देखो। वही अगर नागपुर सीट का गणित समझा जाए तो 2019 में नितिन गडकरी के खिलाफ कांग्रेस ने नाना पटोले को चुनावी मैदान में उतारा था। हालांकि पिछले चुनाव में नितिन गडकरी को लगभग 6,60,000 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार यानी नाना पटोले को लगभग 4,44,000 वोट ही मिल पाए थे और BSP के मोहम्मद जमाल को 31,000 वोट मिले थे। वहीं इसके साथ ही आपको बताते चले कि नागपुर में 19 अप्रैल यानी पहले चरण में ही वोटिंग होनी है और वहीं काउंटिंग 4 जून को होगी। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार नागपुर सीट से नितिन गडकरी का विजय रथ रुकेगा या फिर वे जीत की हैट्रिक मार लेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।